को आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज बस्तर की इस पावन धरती से मुझे भी भाजपा के संकल्प साथ जुड़ने का अवसर मिला है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। भाजपा का संकल्प हर गरीब आदिवासी पिछड़े के हितों की रक्षा करना है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। आप याद रखिए, कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ ने भरी हुंकार, मेरे परिवारजनों, कल ही छत्तीसगढ़ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। छत्तीसगढ़ के लोगों और भाजपा ने साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। कितनी ही चुनौतियों से लड़ते हुए हमने छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, वो यहां की भाजपा सरकार से दुश्मनी निकालती रही। लेकिन फिर भी हम छत्तीसगढ़ को विकास के नए पथ पर ले गए। अब छत्तीसगढ़ 25 साल का होने वाला है और 25 साल होने का मतलब क्या होता है? परिवार में बेटे बेटियों के जीवन में भी ये 25 साल आयु वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य का फैसला करने का चुनाव है। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। लेकिन बेटी, थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो? ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मैं, मुझे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा।
आपने बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही फायदा हुआ है। कांकेर के, बस्तर के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला, छत्तीसगढ़ के लोगों को कांग्रेस ने टूटी फूटी सड़कें दी है, आप लोगों को कांग्रेस ने बीमार, बदहाल स्कूल अस्पताल दिए हैं, कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में घुसखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है, कांग्रेस शासन में आपको नौकरियों की बंदरबांट, हत्या, अपराध, हिंसा, यही सब कुछ मिला है। इसलिए तंग आ गया छत्तीसगढ़ का एक एक मेरा भाई बहन, बस्तर का एक एक मेरा भाई बहन, आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नई साहेबो, आओ नई सहीबो, आओ नई सहीबो, बदल के रही वो। मेरे परिवारजनों, गरीब की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके वर्तमान और आपके भविष्य दोनों की चिंता करते हैं। इसलिए बीते 9 वर्षों के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनका लक्ष्य एक ही रहा है, गरीब का कल्याण, आदिवासी का कल्याण। झुग्गी झोपड़ी, कच्चे मकान का जीवन कितना कठिन होता है, ये मैं भली भांति जानता हूं। इसलिए हमने गरीबों को पक्के घर की योजना बनाई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब गरीब के लिए दिल में दर्द होता है ना, तो काम कैसे होते हैं मैं बताता हूं। अभी तक देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों के लिए भी लाखों घर बनाने तय है। और मैं आपको वादा करता हूं, अभी ये मेरा कार्यक्रम मैंने पूरा नहीं किया है, जैसे जैसे परिवार बढ़ते जा रहे हैं,
बेटे बेटी अलग रहने जाते हैं, उनको और मकान की जरूरत पड़ती है, ये आपका मोदी उनके लिए भी घर बनाएगा। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल में मैंने देखा, देश भर में तो मैं काम कर पाता हूं, लेकिन यहां गरीब के घर भी बनने में रोड़े अटकाते हैं। उनको गरीब की चिंता नहीं है, उनको चिंता यह है कि अगर गरीब को घर मिल जाएगा तो मोदी का जय जयकार करेगा, और इसलिए गरीब का घर मत बनने दो। मैं आज आपको ये वायदा करता हूं, ये मोदी की गारंटी है, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पीएम आवास योजना के काम को और तेज किया जाएगा। यहां के हर गरीब को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को, पिछड़े परिवारों को, दलित परिवारों को, जिनके पास पक्का घर नहीं है, मोदी की गारंटी है पक्का घर मिलेगा। साथियों, आपने देखा है कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, दुनिया के अनेक देशों में खाने का संकट पैदा हो गया, अपने गरीब भाई बहनों को इस परेशानी से बाहर निकालने की चिंता भी आपके सेवक मोदी ने ही की। भाजपा सरकार ने आपके लिए मुफ्त राशन देने वाली योजना बनाई, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इस योजना में भी घोटाला कर दिया, घोटाला। आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस की सरकारें पूरे देश में रही, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका ही झंडा था, लेकिन गरीब के घर शौचालय नहीं बना था, पानी की सुविधा नहीं पहुंची थी, गैस कनेक्शन की तो बात ही कहां थी, अरे बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता था, बैंक का खाते का तो सवाल नहीं था। छत्तीसगढ़ में तो परिस्थितियां और भी विकट थी। ये काम भी आप मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी बिना थके कर रहा है। साथियों, मोदी को आपके स्वास्थ्य की, इलाज पर होने वाले खर्च की भी उतनी ही चिंता है। बस्तर से ही मैंने, आपको याद होगा, बस्तर से ही मैंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव गांव अच्छे अस्पताल बनाने के अभियान की शुरुआत की थी। आज देश के लोगों ने, और तब हमने इसका नाम रखा था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये सरकारी तरीका होता है, हमने नाम रखा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लेकिन मेरे देशवासियों ने उसका काम देखा, उसका उपयोग देखा, तो गांव गांव लोगों ने क्या किया, उसका नाम ही बदल दिया,
और मैं भी हैरान था, क्या बढ़िया नाम लोग बोलने लगे। क्या नाम रखा? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जगह पे उन्होंने लिख दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये काम किया है, कितना उपयोगी हुआ होगा, तब ये नाम मेरे देश के गांव वालों ने निकाला होगा। छत्तीसगढ़ में भी हजारों ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। अस्पताल में गरीब को इलाज के पैसे ना देना पड़े, इसके लिए आयुष्मान योजना भी मोदी ने चलाई है। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ से अधिक साथी इसके लाभार्थी हैं, लाखों साथी इस योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज करा भी चुके हैं। साथियों, भाजपा सरकार ने बीते सालों में हजारों जन औषधि केंद्र खोले हैं ताकि गरीब को सस्ती दवाएं मिले। हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजनाएं इसलिए बनाई ताकि गरीब को भी मुश्किल समय में मदद मिल सके। किसानों, दुकानदारों, श्रमिकों के पास 60 वर्ष के बाद कोई सुरक्षा गारंटी नहीं होती थी। हमने अटल पेंशन और मानधन योजना बनाई जिसके एक तय पेंशन सुनिश्चित हो रही है और गरीब हित में ये जो भी योजनाएं बनी है इनके सबसे बड़े लाभार्थी कौन है भाई? इसके सबसे बड़े लाभार्थी है हमारे एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के मेरे परिवारजन। मेरे परिवारजनों, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा करने की गारंटी। गंगा जी की कसम खाकर झूठी घोषणा करने का काम सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। 9 साल पहले तक जो काम असंभव लगते थे वो काम भी हमने पूरे किए हैं, क्योंकि उनकी गारंटी मोदी ने दी थी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण भी, महिलाओं के लिए आरक्षण कितने समय से लटका पड़ा काम था, ये काम भी किसने पूरा किया? किसने पूरा किया? किसने पूरा किया? मोदी ने गारंटी पूरी की कि नहीं की? हम समाज के उन वर्गों को भी पूछ रहे हैं जिन्हें पहले किसी ने नहीं पूछा। हमारे विश्वकर्मा साथी, हर गांव में कोई न कोई एक परिवार होता है, कुमार हो, लोहार हो, मालाएं बनाने वाले मालाकार हो, मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार हो, खिलौना बनाने वाले छोटे छोटे लोग हो, टोकरी बनाने वाले हो, बांस पर काम करने वाले हो, जूते बनाने वाले हो, कपड़े धोने वाले हो, ऐसे अनेक छोटे छोटे परिवार बिखरे पड़े हुए। इन परिवार
कोई उनकी सूद भी नहीं लेता था। मोदी है उसे उनका दर्द भी पता चलता है, और हमने ऐसे परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत हर विश्वकर्मा साथी को हजारों रुपए की आर्थिक मदद दिए ये निर्णय किया है। उनको ट्रेनिंग देंगे, आधुनिक औजार देंगे, उनको बैंक से पैसा देंगे, उनको बाजार की व्यवस्था करेंगे। मेरे परिवारजनों, हर क्षेत्र हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे, सबको सम्मान का जीवन मिले, ये भाजपा की नीति है। तुष्टिकरण किसी का नहीं, और विकास से वंचित भी कोई न रहे, यही भाजपा की नीति है। देश के इतिहास में पहली बार भाजपा ने एक आदिवासी परिवार की बेटी को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस ने उनका भी विरोध किया, उनके खिलाफ अपप्रचार किया, भला बुरा कहा। कांग्रेस का ये विरोध भाजपा के विरुद्ध नहीं था, बल्कि ये आदिवासी बेटी के विरोध में था। छत्तीसगढ़ के हर आदिवासी को आदिवासी की बेटी का ये अपमान हमेशा हमेशा याद रखना है, और कांग्रेस को इसकी सजा देनी है। सजा देंगे ना? दोनों हाथ ऊपर करके जरा बताइए, सजा देंगे ना? आदिवासी बेटी के अपमान का बदला लेंगे ना? कांग्रेस को सजा देंगे ना? साथियों, कांग्रेस की यही मानसिकता है जिसके कारण दशकों तक आदिवासी समाज वंचित रहा। छत्तीसगढ़ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में आदिवासी आरक्षण के मामले में कांग्रेस की भूमिका को आदिवासी समाज नहीं भूल सकता। महरा महारा समाज को एससी का दर्जा देकर उनकी लंबे समय से लंबित मांग को भाजपा सरकार ने पूरा किया। 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करके उन्हें एसटी का दर्जा देकर उनके भविष्य का रास्ता भी भाजपा सरकार ने प्रशस्त किया। ये हमारी सरकार है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, मेडिकल के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था भी भाजपा सरकार ने की है। कांग्रेस ने ओबीसी को क्या दिया? सिर्फ धोखा और गाली। मुझे भी नहीं छोड़ा। जब मैं 2013-14 में चुनाव के मैदान में आया तो मुझे गाली इसलिए देते थे कि मैं ओबीसी समाज से आता था। ये इनकी मानसिकता है। ये हमारी सरकार है जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई
मातृभाषा में हो इसकी व्यवस्था की है और इसके सबसे अधिक लाभ भी गरीब एससी एसटी ओबीसी माताओं की संतानों को ही होगा। हमारे ये बच्चे अंग्रेजी की वजह से पढ़ने में पीछे रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में पढ़ाई पर बल दिया जाएगा। गांव का गरीब की बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे, ये मेरा सपना है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस कभी नेक नियत से काम नहीं कर सकती। 10 साल पहले केंद्र सरकार में लाखों करोड़ के घोटाले करके कांग्रेस ने काली कमाई से अपनी तिजोरी भर ली थी, लेकिन अब 10 साल से कांग्रेस केंद्र सरकार में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की तिजोरी खाली हो रही है और इसलिए जहां जहां राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां के लोगों को ये कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए गरीब से गरीब लोगों को लूट रही है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में से लूट चलाई जा रही है। यहां छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने पिछले 5 साल यही किया है और छत्तीसगढ़ में कौन सा खेल चल रहा है। यहां के मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है 30% कक्का आपका काम पक्का, 30% कक्का आपका काम, 30% टक कक्का आपका काम, ऐसे 30% कक्का वाली कांग्रेस सरकार को अब आपको बाहर का रास्ता दिखाना है। दिखाओगे ना, दिखाओगे ना, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, ये 30% वाला कक्का जाएगा ना, जाएगा ना। साथियों, छत्तीसगढ़ में अथाह खनिज संपदा है, कोयला हो, लोहा हो। अब मुझे बताइए, ये सब मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद आया है क्या? उसके पहले था कि नहीं था? लेकिन कांग्रेस ने आपको कभी इसका लाभ नहीं लेने दिया। ये मोदी है जिसने तय किया कि छत्तीसगढ़ से जो खनिज निकलेगा उसका बड़ा हिस्सा इस इलाके में रहने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिलेगा। जहां से निकलता है पहला हक उनका होगा। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया, आपके हक के हजारों करोड़ रुपए यहां की सरकार को भेजे। इस पैसे से आपके घर के पास अच्छी स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इस पैसे को भी लूट लिया। कांग्रेस की सरकार जब भ्रष्टाचार करती है तो सिर्फ राज्य का नुकसान नहीं होता बल्कि हर परिवार का भी नुकसान होता है।